कार्रवाई है और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके इसके पिता को, इसके पिता को किसने बनवाया था? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तो क्या तेजस्वी यादव जाएंगे जेल? क्योंकि नीतीश कुमार ने भरी सदन में उनको नसीहत दे दी और कह दिया कि कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि कल यानी कि शुक्रवार को सदन में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। कई मुद्दे पर उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पारिवारिक मुद्दे के साथ हर मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर वो जमकर बरसे, जिसके बाद से नीतीश कुमार ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज है और इसके साथ एक मामले में उनको जुर्माना तक भरना पड़ा है, जिसके बाद से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अगर ये ऐसा कह रहा है तो जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। इसके साथ तेजस्वी यादव के उस सवाल पर कि इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, नीतीश कुमार ने कहा कि इसकी जांच हो और इस पर कार्रवाई की जाए, ये तो खुद चार्जशीटेड है। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार हमलावर नजर आए, ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव पर कार्रवाई की जाएगी, क्या तेजस्वी यादव पर जांच की जाएगी और क्या तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। छोड़ जाते हैं आपको उस वीडियो के साथ। बात तो आप बकवास ही बोल रहा है और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरा भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके इसके पिता को, इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकतंत्र में विधायक दल का नेता क्या पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? सब इस पर आरोप था, हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। अगर है तो क्यों नहीं, क्यों नहीं, कोर्ट का फैसला है, हमने तो नहीं कहा था। ये सारे लोग एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात से जानने के आधार पर अगर इसी तरह से आप सुनो ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज चार सीटर है, आज सदन में शांति बनाइए। माननीय सदस्यगण, यह सब बर्दाश्त के बाहर अभी आपने डिमांड किया, माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन में